अगर आपने कोविड वैक्सीन लगवाए हैं लेकिन उसका प्रमाण नहीं दे पाए तो हो सकता है कि आप विदेश ना जा पाए, यानी कि आपका विदेश जाने का सपना टूट सकता है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत से विदेश की यात्रा पर जाना चाहता है तो उसे पासपोर्ट के साथ अपने कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट को लिंक करना जरूरी हो गया है। अगर आपको वैक्सीन की दोनों खुराक लग गई है तो हम इस रिपोर्ट में बेहद आसान तरीके से पासपोर्ट को कोविड 19 वैक्सीन सर्टिफिकेट से जोड़ने का तरीका बताने जा रहे हैं। चलिए पासपोर्ट को कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ जोड़ने की पूरी प्रक्रिया को जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको cowin.gov.in पर जाना होगा। लॉगिन करने के बाद होम पेज पर सपोर्ट सेक्शन को क्लिक करना होगा। आप जैसे ही सपोर्ट सेक्शन को क्लिक करेंगे आपके सामने तीन विकल्प फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सर्टिफिकेट करेक्शन और कॉन्टैक्ट अस दिखाई पड़ेगा। अब तीनों विकल्प में से सर्टिफिकेट करेक्शन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रेज एन इशू ऑप्शन खुल जाएगा। रेज एन इशू ऑप्शन में ऐड पासपोर्ट डिटेल्स के साथ तीन विकल्प दिखाई पड़ेंगे। आपको ऐड पासपोर्ट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जिस व्यक्ति के पासपोर्ट को सर्टिफिकेट के साथ जोड़ना चाहते हैं उसका चुनाव करना होगा। उसके बाद उस व्यक्ति का पासपोर्ट नंबर डालना होगा और फिर सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस होम पेज पर जाकर वैक्सीन सर्विसेज में डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करके पासपोर्ट से जुड़ा वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद है हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।